देन इन्वेस्टमेंट। रियल इस्टेट आप दो तरह से होल्ड कर सकते हो, एक है फिजिकल होल्डिंग, रियल इस्टेट होल्डिंग इन फिजिकल फॉर्म, जो जन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर प्रिफर करते हैं। इट इज़ बियॉन्ड द मीन्स ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। रियल इस्टेट अगर आपको ख़रीदना होगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा आपके पास में होना चाहिए। रियल इस्टेट में लिक्विडिटी प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने एक 1000 या 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ख़रीद लिया है और आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत आ गई, तो आप एक टुकड़ा नहीं बेच सकते हो। अगर आपने आज सोचा कि आपको बेचना है तो आज के आज बिकता नहीं है। तो रियल इस्टेट में लिक्विडिटी प्रॉब्लम होता है, आपका ही पैसा आपको मिलने में समय लगता है। अगर आपको जल्दी बेचना है तो आपको कम भाव में उसे बेचना होता है। उसके बाद में रियल इस्टेट में आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी इतनी महंगी होती है कि आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में पैसा डालने के बारे में सोच भी नहीं पाते हो, राइट। बट विज़ावी आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड के बारे में बात करो, आप मिनिमम 5,000 रुपीज़ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वन टाइम। तो आप अगर आपको 1,00,000 रुपया है तो आप 20 जगह पे पैसे डाल सकते हो, तो आप बहुत अच्छे तरह से आपके असेट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। दूसरा टाइप है रियल इस्टेट होल्ड करने का, रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड्स। सेबी ने रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की परमिशन दे दी है, बट अभी तक किसी भी म्यूचुअल फंड ने रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड लॉन्च नहीं किया हुआ है।